नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2 2011 ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको प्रीवियस वीडियो में 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। 101 to 130 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वाटर इन मसल टिश्यूज, और बात की जा रही है कि मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है, तो 75 to 79% वाटर प्रेजेंट होता है मसल्स एंड किडनीज में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हार्ट में 73%, लंग्स में 83%, स्किन में 64% और इवन बोन्स में भी कुछ अमाउंट वाटर का होता है, और दैट इज 31% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। सो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जॉगिंग एंड स्पोर्ट्स डज, यानी कि जॉगिंग और खेलना क्या करते हैं, तो सभी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, ये आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। एटीपी इज स्टोर्ड इन मसल्स, एटीपी इसमें स्टोर्ड होती है मसल्स में। एन एथलीट वेइंग 50 किलोग्राम हु ट्रेन्स फॉर 2 आवर्स रिक्वायर्स एन इनटेक ऑफ अप्रोक्सीमेटली, एक खिलाड़ी जिसका वजन 50 किलोग्राम है, 2 घंटे की ट्रेनिंग लेता है, उसे कितने कैलोरी की भोजन की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 2800 kcal। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, हेपेटाइटिस ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय मॉस्क्यूटो, और बात की जा रही है कि कौन सी बीमारी फैलने का कारण जो होता है वो मच्छर होता है, तो वो मलेरिया की बात की जा रही है। लेकिन जो आपको बता दें कि जो मलेरिया होता है वो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलीज, बट ये जो होता है ये एक प्रोटोजोवा से कॉज होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम, तो ये कॉजेटिव एजेंट होता है मलेरिया का, ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर द गुड हेल्थ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर नेसेसरी, तो एक अच्छी सेहत के लिए लगातार यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करने की सभी को जरूरत होती है। डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो निम्न में से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, टीबी इज करेक्ट आंसर। फिजिकल एक्सरसाइज इज डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक एक्सरसाइजेज, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एनएरोबिक एक्सरसाइजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड कीपिंग द बॉडी हेल्दी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात यहाँ पे की जा रही है। विच ऑफ दीज आर नॉट ट्रेडिशनल रिक्रिएशन एक्टिविटी, कौन सा पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है, तो टीबी इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि डांस, प्ले, म्यूजिक ये सभी जो है पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल रिक्रिएशन एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाई GD सोंधी, ऑप्शन नंबर बी। हु सेड रिक्रिएशन इज नॉट अ मैटर ऑफ मोशंस बट इमोशंस, तो जोसेफ ली इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। द कैंप क्राफ्ट इन्वॉल्व, ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल स्किल्स यानी कि यांत्रिक कौशल मुख्य रूप से शिविर उद्योग कलाओं में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड बी गिवन इन ड्यूरिंग द कैंप, तो कैंप के दौरान देखिए आपको पता है किस तरह का भोजन दिया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी, देखिए किस तरह का भोजन दिया जाना चाहिए, तो हम आपको बता देते हैं, ड्राई एंड सीजनल वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसी डाइट विदाउट फ्रूट, लिक्विड डाइट विद एनी टाइप ऑफ फ्रूट, नॉन वेजिटेरियन फूड, यहाँ पे सूखा मौसमी सब्जियों एवं मौसमी फलों वाला भोजन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ड्राई एंड सीजन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से भरपूर जो है खाना वो दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। प्राणायाम मीन्स, प्राणायाम का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ब्रीथ कंट्रोल से मतलब है, क्योंकि प्राणायाम के जो मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब होता है सांस अंदर की तरफ लेना, कुंभक का मतलब होता है सांस को रोक के रखना, और रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, तो टोटली ब्रीथ कंट्रोल से मतलब है यहाँ पे प्राणायाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी प्रोग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैंप्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, कैंप फायर। हु इज नोन एज फादर ऑफ योगा, महर्षि पतंजलि इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आसन्स आर परफॉर्म्ड बाय बॉडी बट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन माइंड. आर यू एग्री? यस टोटली एग्री, वी आर एग्री विद दिस. सवासन कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ, सवासन जो होता है वो किस में आता है? तो रिलैक्सेसिव आसन यानी कि आराम के लिए किया जाता है, सभी आसन के अंत में किया जाता है, तो ये रिलैक्सेटिव आसन में आता है. फर्स्ट फोर एस्पेक्ट ऑफ अष्टांग योग, अष्टांग योग के प्रथम चार जो है वो कौन से पार्ट हैं आपको मालूम है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और बचे हुए जो चार हैं वो क्या हैं? तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. ये सही सीक्वेंस होता है अष्टांग का, आठ योग का. देन नेक्स्ट इज गिवन दैट योग कर्माशु कौशलम परिभाषा किसने दी है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, भगवद गीता के अनुसार यह परिभाषा दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फूड इज बेस्ट फॉर योगिक प्रैक्टिशनर्स यानी कि जो योग करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा भोजन कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सात्विक भोजन सबसे अच्छा होता है. विच वन इज नॉट अ शुद्धि क्रिया, निम्न में से शुद्धि क्रिया के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कुंभक. विच फैक्टर इज नॉट रिलेटिव विथ हट योग, हट योग से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, शुद्धि क्रिया का संबंध हट योग से नहीं है. द थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर की बात यहाँ पे की जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट रिक्रिएशन इज नेसेसरी, तो मनोरंजन किस लिए जरूरी होता है? ऑप्शन नंबर सी, आत्म खुशी एवं मन की शांति के लिए, टू गेट प्लेजर एंड मेंटल पीस. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैंपिंग इज, कैंपिंग के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल, एक्वायरिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स, डेवलपिंग इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. ये सभी जो होते हैं कैंपिंग के उद्देश्य के रूप में जाने जाते हैं. हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो कैंप के दौरान गाया जाने वाला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के गीत के लेखक कौन है? तो मोहम्मद इकबाल. नाउ द लास्ट इन होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, दैट हु पॉइंटेड आउट दैट द वर्ड रिक्रिएशन इज ब्रॉड इनफ टू इंक्लूड प्ले इन इट्स एक्सप्रेशन, यानी किसने कहा था कि खेल के शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट रूप, किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा. फ्रेंड्स ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एज इट इज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज थी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से काफ़ी क्वेश्चंस नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो आप हमारे चैनल पे अपलोड किए जाने वाले वीडियोस को लगातार देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए.